हेलो फ्रेंड्स, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। दैट मींस कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हम लोग करें, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज, देखिए दिस फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ modes of creation. So on the basis of modes of creation, first category को हम बोलते हैं express contract. अब ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं सर? देखिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रिटर्न या ओरल फॉर्म में होते हैं। तो रिटर्न फॉर्म में अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अगर ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसे भी हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओरली भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो सर वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अब आप शायद मुझसे ये पूछेंगे कि सर उस कॉन्ट्रैक्ट को साबित कैसे करेंगे, उसे प्रूव कैसे करेंगे, दैट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। बट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम चाहे तो ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आइदर रिटर्न या ओरल फॉर्म में बनता है। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जरा सोचिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना तो रिटर्न फॉर्म में बना और ना ही ओरल फॉर्म में बना, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है सर? ओके, जरा इमेजिन कीजिए, आप अपने पड़ोस के स्टोर पे गए और आपने पड़ोस के स्टोर में से मैगी का पैकेट लिया और मैगी का पैकेट परचेज करके आपने 20 रुपए उसके काउंटर पे रख दिए। तो 20 रुपीज आपने उसके काउंटर पे रखे और मैगी का पैकेट लेके आप आ गए। ना तो आपने स्टोर मैनेजर के साथ कोई कम्युनिकेशन की, जो शॉप का ओनर था उसके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ना आपने कोई उससे बिल लिया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी से बनता है। सो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की कंडक्ट से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी ना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस आके रुकती है और आप बस में बैठ जाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम क्या बोलेंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम बोलेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कैब जा रही है और हाथ से इशारा करके किसी कैब को रुकवा रहे हैं और वो कैब रुकती है, आप उस कैब में बैठ जाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम क्या बोल देंगे? वो भी एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन जहां पे कंडक्ट इन्वॉल्व होती है, उन कॉन्ट्रैक्ट को हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, सर इमेजिन करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन पे कूली आता है और कूली आकर आपका सामान लेता है और वो चलने लगता है, आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि आप उसे रिफ्यूज नहीं कर रहे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इनफैक्ट हर लेवल पे, जिस लेवल पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इनफैक्ट
कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 68 टू सेक्शन नंबर 72। यस, सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में पूरी की पूरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी डिफाइंड है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? उस प्रिंसिपल का नाम है अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। एक पर्सन के नुकसान पे दूसरे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक पर्सन के लॉस पे किसी दूसरे पर्सन का बेनिफिट हो रहा है तो हम ये बोल देंगे उन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक इंटरेस्टिंग बात अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट हो, ऑफर एक्सेप्टेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे कि हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे, सर माइनर के साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? माइनर के साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर किसी माइनर को बेसिक नेसेसिटी सप्लाई की जाए, तो उस केस में उस मेजर पर्सन का उस माइनर के साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर किसी माइनर पेशेंट का ट्रीटमेंट करे तो डॉक्टर अपनी फीस उस माइनर की एस्टेट में से क्लेम कर सकता है। आप बोलेंगे शायद कि सर एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड अप इनिशियो। यस यू आर राइट, लेकिन माइनर के टॉपिक का एक्सेप्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को भी बेसिक नेसेसिटी सप्लाई की जाए तो उस पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन फैक्ट उस अनसाउंड माइंड पर्सन के फैमिली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, यस डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी अगर बेसिक नेसेसिटी सप्लाई की जाएगी तो उसे भी हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, शायद आप लोगों ने देखी वो फिल्म। तो उस फिल्म में अगर बजरंगी भाईजान पाकिस्तान से आई हुई 6 साल की बच्ची की हेल्प करते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, उसे खाना देते हैं, उसे बेसिक नेसेसिटी सप्लाई करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कोड बोलता है कि एप्लीकेबल होगा दोनों पार्टीज के ऊपर, सो इट इज बेसिकली इंपोज्ड बाय द लॉ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि सेक्शन 72 में गिवन है। अगर हम बैंक से कैश विड्रॉ करवाने जाएं और बैंक का कैशियर गलती से मुझे एक्सेस कैश दे दे, तो अगर बैंक का कैशियर मुझे गलती से एक्सेस कैश दे दे तो उस एक्सेस अमाउंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम दोनों के बीच में देयर वाज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन फिर भी इस केस में मेरा बेनिफिट हो रहा है और बैंक के कैशियर का लॉस हो रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। इसके अलावा भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शन हैं, जैसे कि सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71, लेकिन उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जरा बात करते हैं कि और कौन सी कैटेगरीज के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को डिवाइड किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस of performance, on the basis of performance। तो अगर हम performance के basis पे बात करें तो contract को और कितनी categories में divide किया जा सकता है? So the first is, जरा देखिएगा, first is unilateral कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं?
देखिए, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें किसी एक पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। तो यूनिट मींस वन एंड यूनिलेटरल मींस वन साइडेड परफॉर्मेंस। तो अगर किसी एक पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करना है और उस एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में किसी मिसिंग पर्सन का एडवर्टीजमेंट आया है, पेपर में इंफॉर्मेशन है कि दिस पर्सन इज मिसिंग, और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा या जो उसे ढूंढ के लाएगा उसे 50,000 का रिवॉर्ड है। तो जो पर्सन उसे ढूंढ लेगा वो अपनी साइड से परफॉर्मेंस पूरी कर देगा। तो यहां परफॉर्मेंस सिर्फ एक साइड को पूरी करनी है, एक पार्टी कौन सी, जिस पार्टी को उसे ट्रेस करना है। अगर उस पार्टी ने उस पर्सन को ट्रेस कर लिया तो उसके बाद, यानी कि परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी और उसके बाद वो अवार्ड के लिए क्या हो गया, वो अवार्ड के लिए एंटाइटल्ड हो गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा देयर इज वन मोर कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को ही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इनफैक्ट काफी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यह कहा गया है कि बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होते हैं। तो सर, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? देखिए, ये यूनिलेटरल का अपोजिट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाइलेटरल या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की है, आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है और उसमें आपने लिखा है कैश ऑन डिलीवरी। तो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर किया है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको 3 दिन बाद होनी है, तो 3 दिन तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन ए एग्जीक्यूटरी, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहेगा? क्योंकि यहां परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज को करनी है। वो जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसे डिलीवरी करनी है और उस जो डिलीवरी करेगा तब आप उसे पेमेंट करेंगे। तो सर, परफॉर्मेंस दोनों तरफ से आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मेंस सेलर की तरफ से भी आउटस्टैंडिंग है और परफॉर्मेंस बायर की तरफ से भी आउटस्टैंडिंग है। और जब दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और यूनिलेटरल में क्या होता है? यूनिलेटरल में परफॉर्मेंस किसी एक पार्टी की तरफ से क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद द नेक्स्ट टाइप इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा देखते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली ए वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सा प्रोविजन है सर, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं सर? तो ऑब्लिगेशंस की बात करें, आपके सिनेमा हॉल में गए, आपने फिल्म देखी, आपने फिल्म देखने के लिए उसको पैसा दिया, टिकट्स परचेज करी, फिल्म देखी, बाहर आ गए, आपने फिल्म के लिए पे कर दिया, सिनेमा हॉल ने आपको फिल्म दिखा दी और दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर दिया। राइट सर, दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर दिया, तो अब कुछ रिमेनिंग है? नो सर, नथिंग इज रिमेनिंग। आप किसी बुक शॉप पे गए, बुक शॉप पे जाकर आपने बुक परचेज करी, कैश में पेमेंट कर दिया, उसने आपको बुक दे दी, आप बुक लेके घर आ गए, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं, जब कुछ नहीं बचा पूरा करने को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इनफैक्ट इंग्लिश में हम ईडी पास्ट में यूज करते हैं, तो समझ लीजिए ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म हो चुका है। राइट, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, दिस कैटेगरी इज इन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंड इन दिस कैटेगरी वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ enforceability।
ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की और कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट, ये वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं सर? देखिए जरा, वॉइड एग्रीमेंट की मैं अगर बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अब एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है तो मैं अगर आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल हो, जब आपके पास कोर्ट में केस फाइल करने का राइट अवेलेबल हो तो उसे हम बोलते हैं एनफोर्सिएबल. और जब मैं बोलूं वॉइड एग्रीमेंट सो दैट मींस नॉट एनफोर्सिएबल, दैट मींस नॉट एनफोर्सिएबल. तो वॉइड एग्रीमेंट वो है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट कभी थे ही नहीं. अगर मैं ये बोलूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट माइनस एसेंशियल एलिमेंट तो क्या बनेगा? दैट बिकम्स ए वॉइड एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट में अगर एसेंशियल एलिमेंट्स ना हो तो वॉइड एग्रीमेंट बनता है. सर ये वॉइड एग्रीमेंट होता कौन सा है? अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया जाए तो उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर ना हो तो उसे भी हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना हो, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बिना पैसे के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. सो यू नीड मनी, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए. कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है और उसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. अगर टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं आपसे 100 टन्स ऑफ ऑयल परचेज करूंगा, लेकिन अब आप ये पूछेंगे सर कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, राइट? सो यहाँ पे जो ऑयल है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. तो जब ऑयल का टाइप स्पेसिफाइड नहीं है दैट मीन्स वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है. और जब टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं होती ना तो उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. तो सिंपल सा प्रोविजन है सर, अगर एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता तो हर एग्रीमेंट होता है वॉइड एग्रीमेंट. माइनर के साथ जो एग्रीमेंट करेंगे उसे भी हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. अब जरा आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं. तो वॉइड मीन्स समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल. और वॉइड जो है ना ये मैं बोलूंगा आपको कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है. अगर मैं बोलूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो दैट मींस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम कोर्ट में केस फाइल करने का राइट हमारे पास अवेलेबल होता है. हम उस केस में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा और इनफैक्ट हमें रेमेडीज दिलवाएगा. कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करें और गाड़ी के लिए पेमेंट कर दें और उसके बाद गाड़ी का डीलर हमें कार देने से मना कर दे तो हम उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दैट इज ए एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. और हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है. तो बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से है सर जहां लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती है. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में देयर इज वन मोर कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से हाइब्रिड है. हाइब्रिड किसका है ये देखिए, वॉइड एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब आप शायद ये पूछेंगे सर ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारा और बहुत बड़ा डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट एंड वैलिड वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में. आइए उस डिफरेंस की बात करते हैं. तो देखिए जरा, सो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और उससे पहले मैं बोलूंगा वॉइड एग्रीमेंट और उसके मैं आगे बोलता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो अब ये डिस्कस करते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से डिफरेंट होता है. डिफरेंस बहुत ज्यादा है बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वो डिफरेंस क्या ये देखते हैं. वॉइड एग्रीमेंट में तो सर एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं होते,
तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के बाद में आता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो क्या बन गया? किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सर्ट के लिए मैंने जगजीत सिंह जी को और माइकल जैक्सन को मैंने बुला लिया। इन दोनों को मैंने उस कॉन्सर्ट के लिए साइन कर लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जिस दिन परफॉर्म करना था उससे पहले उन दोनों की डेथ हो गई। सो इन केस ऑफ डेथ बिफोर द डे ऑफ फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ? सर, देर इज नो लीगल रेमेडी अवेलेबल, क्योंकि उन दोनों की डेथ हो गई। तो जिसके साथ पर्सनल आर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर उनकी डेथ हो जाए तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर लॉ चेंज हो जाए तो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और इसके अलावा अगर कोई और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे कि एक टूरिज्म कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो नेपाल घुमाने के लिए टूरिस्ट को लेके जाएगी, लेकिन जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी होती है उससे पहले ही नेपाल में अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सो मैं ये बोलूंगा कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? तो लॉ चेंज होने की वजह से डेथ के केस में सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, चेंज इन सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज की सेल या परचेज करने पर रोक लगा दे लॉ बनाकर, तो उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे बन गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा बात करते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। देखिए जरा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म को ना हम रिलेट करेंगे एक टर्म जिसका नाम है अवॉइडेबल। हम इसे अवॉइडेबल वर्ड से रिलेट करेंगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग क्या होता है? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं कि सर ये तब हो सकता है जब फ्री कंसेंट ना हो। जब फ्री कंसेंट ना हो तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो फ्री कंसेंट ना होने के केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और यहां मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं जिसका नाम है एग्रीव्ड पार्टी। यस, सो एग्रीव्ड पार्टी का मीनिंग क्या होता है? मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन एक पर्सन आता है और मेरे सर पे गन रखता है और गन रख के मुझे बोलता है कि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी। मैंने उसे कहा कि मैं प्रॉपर्टी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वो मुझे बोलता है लेकिन मैं आपको गोली मारने में इंटरेस्टेड हूं अगर आपने प्रॉपर्टी मुझे सेल नहीं की तो। यानी कि अब क्योंकि वो मुझे गोली भी मार सकता है इसलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। तो अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराऊं अपनी मर्जी के बिना, द रीजन इज वो मेरे ऊपर कोवर्शन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है वो मेरे ऊपर कोई और पर्सन मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा हो, जैसा कि रिलीजियस गुरु अपने फॉलोअर पे करता है। तो अगर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस है और उसकी वजह से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, हो सकता है कोई फ्रॉड करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मिस्टेक भी यहां एक फैक्टर हो सकता है। तो सर, कोहर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये वो फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर प्रेजेंट होगा ना, तो दैट मीन्स कि जो मेरी कंसेंट थी ना, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, यानी कि दिस वॉज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट जो फ्री कंसेंट से हुआ। तो अब मैं एग्रीड पार्टी हूँ, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं।
जो कि मेरे ऊपर गन रखी गई और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं, मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोर्ट में गया तो कहीं वो मुझे गोली ना मार दे, या मुझे लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ चीटिंग करके किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया तो करवा लिया, किसी ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मैं अब कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं कोर्ट में जाऊं या मैं कोर्ट में ना जाऊं। तो अगर मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड, लेकिन अगर मैं कोर्ट में चला गया तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवा सकता हूँ, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता हूँ। लेकिन ये कम्प्लीटली मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है, इसलिए इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैंने रिलेट किया एक वर्ड से, इसका नाम है अवॉइडेबल। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, और एग्रीड पार्टी वो होती है जिसकी कंसेंट किसी ने ली हो, कोर्शन लगाकर या फ्रॉड इस्तेमाल करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन से उसकी कंसेंट ली हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो अब जरा बात करते हैं कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। देखिए जरा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई लीगल डिफेक्ट है, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है और जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। आप बोलेंगे सर लीगल डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो लीगल डिफेक्ट कौन सा है? देखिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में होने ज़रूरी होते हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में नहीं है जिसका एज पर लॉ रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो इस वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें विटनेस के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में विटनेस के साइन नहीं है तो अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसमें एनफोर्सेबिलिटी दैट सीज टू बी एनफोर्सेबल, सो दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दैट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, तो अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है इलीगल एग्रीमेंट। इसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब ये इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं देखिए जरा, इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं, और इलीगल एग्रीमेंट में कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। सो इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट का कुछ कनेक्शन शायद आपको लग रहा होगा, बट द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट इज इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट भी मिलता है। सो अगर हमने किसी माइनर को लोन दिया है ना, तो कोर्ट हमें पनिशमेंट नहीं देगा, बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी माइनर को किडनैप कर लिया जाए, और माइनर को किडनैप करने के लिए किसी की हेल्प कोई पर्सन ले रहा है, या किसी माइनर को इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे कि वो माइनर किसी का मर्डर कर दे, तो अब माइनर को जो पैसे देने का जो प्रॉमिस किया है, या जो उस माइनर को कंसिडरेशन देने का प्रॉमिस किया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उस माइनर के साथ में किया उसे हम इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। इलीगल एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, एंड इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट भी मिलता है। वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ तो नहीं होते, यानी कि कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, यानी कि लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट के केस में हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। सो ये हमने कुछ कैटेगरीज डिस्कस करी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।